प्रशांत किशोर केवल बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में बड़े नाम पर जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर ने चाहे आम आदमी पार्टी की बात रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव की बात रही हो, चाहे वह आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की चुनाव की बात रही हो, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी रही हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव, लेकिन प्रशांत किशोर इस समय बिहार में शांत हैं और इनकी चुप्पी, इनकी मौन को देखते हुए लोग कहने लगे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं। प्रशांत किशोर अचानक से 2020 में जब इन्होंने जदयू डेढ़ साल के बाद छोड़ी तो इनकी जो आवाज़ है वो बुलंद हुई और लगातार इन्होंने बिहार के हित में बात करना शुरू कर दिया था। लोगों से इन्होंने एक विकल्प की बात की थी और प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने रहे, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर लगभग एक महीने से चुप हैं और इनकी चुप्पी की वजह से लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अब क्या करने वाले हैं। साल 1977 में प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, वहीं पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी दास है जो असम के गुवाहाटी की एक डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जाह्नवी का एक बेटा है। राजनीतिक करियर की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से वो चर्चा में आए। उन्हें एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। हमेशा से वह पर्दे के पीछे रह कर के चुनावी रणनीति को अंजाम देते आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर पसंद नहीं आए। बिहार के 2020 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम चर्चाएं फिर होंगी, लेकिन अभी चर्चा यही है कि प्रशांत किशोर आखिर में चल क्या रहे हैं, प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कर पाएंगे। साल 2014 में किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की थी, जिसे भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी माना जाता है। यह एक एनजीओ है, इसमें आईआईटी आईएम में पढ़ने वाले युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे लोगों को शायद रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा नीतीश कुमार ने कहा था, उन्हें पढ़े लिखे लोगों की, ज़्यादा विद्वान लोगों की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर की बात होते ही बस एक चेहरा सामने आता है, वो ये कि प्रशांत किशोर चुनाव में किसे सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कभी नीतीश कुमार कहा करते थे कि प्रशांत किशोर ही भविष्य हैं और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की थी। तब माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जदयू का वारिस खोज लिया है, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर की नाराज़गी ने यह साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर किसी के साथ तब खड़े होंगे जब उनके मन मुताबिक काम होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार चुनाव के 2020 में प्रशांत किशोर की चुप्पी को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं नीतीश कुमार की रणनीति के तहत प्रशांत किशोर शांत हुए हों या प्रशांत किशोर किसी और दल के साथ काम कर रहे हों। उन्हें इंतजार होगा कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें पूछा जाएगा। लोगों का कहना था कि आखिर प्रशांत किशोर किसके साथ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या अपनी किसी पार्टी को, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। आप देख रहे थे पोल टॉक। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।